हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैग्नस कार्लसन की ग्रेनक चेस क्लासिक की राउंड सिक्स की जो गेम है वो दिखाने जा रहा हूं, जिसपे उनके ब्लैक पीसेस है, उनके सामने उनका ओपोनेंट है जोग मायर। सो इस गेम में मायर ने गेम की शुरुआत नाइट f3 से की एंड नाउ नाइट f6, g3, g6, बिशप g2, बिशप g7। ओ दोस्तों, ये कैसल एंड किंग्स इंडियन ने अटैक का जो है सिमेट्रिकल डिफेंस है ये। यहाँ पर d4 एंड नाउ d6, b3, b5। और दोस्तों, ये b5 मूव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर आप नाइट e5 खेलते हो। सो आइडिया ये है कि नाइट कैप्चर करते हो, देन रुक हैंगिंग है। बट यहाँ पर एक्चुअली ब्लैक जो है वो एक्सचेंज सेक्रीफाइस कर सकता है विथ पोन कैप्चर्स ऑन e5 एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन e8, जहाँ पे से बिशप h3, बिशप g2, बिशप कैप्चर्स g2, किंग कैप्चर्स g2 और उसके बाद पोन कैप्चर्स ऑन d4। और यहाँ पे दोस्तों क्या मिला आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइट के किंग का जो डिफेंडर बिशप है वो चला गया है, दूसरी ओर आपका रुक नहीं है, बट आपको रुक के सामने जो है नाइट एंड एक पोन है। सो यहाँ पे जो गेम है वो रफली बैलेंस होती है। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया था मैग्नस कार्लसन का। बट b5 के बाद एक्चुअली व्हाइट ने बिशप b2 खेला, एंड नाउ बिशप b7, नाइट b2 d2, नाइट b2 d7, c4, बी कैप्चर ऑन c4, नाइट कैप्चर्स ऑन c4 एंड नाउ a5। सो यहाँ पे माइट बी आइडिया ये हो सकता है कि आप जो है पोन आगे पुश करो एंड देन इस पोन को जो है वीक बना के कैप्चर करो, और आपकी a7 की वीकनेस जो है वो सिंपली यहाँ पे रिमूव हो सकती है। रुक c1 जो है वो गेम में खेला गया, एंड नाउ c5, डी कैप्चर्स ऑन c5, नाइट कैप्चर्स ऑन c5 एंड नाउ बिशप d4। और यहाँ पे मैग्नस ने अपनी नाइट जो है वापस d7 पे ली। सो पॉसिबली आइडिया ये है दोस्तों कि वो जो है पोन e5 खेलना चाहते हैं एंड देन पोन d5, और इस तरह से अपनी सेंटर मेजोरिटी जो है उसको एडवांस करना चाहते हैं। यहाँ पे बिशप नाइट c2 d7 के बाद एक्चुअली वाइट ने जो है वो a4 खेला, एंड नाउ रुक टू a6, नाइट a3। और यहाँ पे नाइट a3 का आइडिया जो है वो मैग्नस कार्लसन को पसंद नहीं आया था। उन्होंने एक्चुअली आफ्टर पोस्ट गेम एनालिसिस में ऐसा बोला कि रुक a6 के बाद एक्चुअली नाइट e1 खेला जा सकता है, जिस केस में बिशप कैप्चर्स ऑन g2, नाइट कैप्चर्स ऑन g2 और क्वीन a8 के बाद f3 जो है वो पॉसिबल है, और नाइट जो है वो c4 पे ही ज़्यादा अच्छी है। बट एनीवेज, रुक a6 के बाद वाइट ने नाइट a3 खेला, एंड नाउ क्वीन a8, नाइट b5, रुक c6, कैप्चर्स ऑन c6, बिशप कैप्चर्स ऑन c6 एंड नाउ नाइट e1, बिशप कैप्चर्स ऑन g2, नाइट कैप्चर्स ऑन g2। और यहाँ पे मैग्नस ने रुक c8 खेला, और उन्होंने इस अपनी मूव को जो है क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ये मूव जो है वो सिंपली वाइट को थोड़ा बहुत काउंटर प्ले देती है। यहाँ पे वो कह रहे थे कि उनको जो है h5 जो है वो ज़्यादा बेटर था। बट एनीवेज, नाइट कैप्चर्स ऑन g2 के बाद रुक c8, नाउ नाइट a7, रुक पे अटैक है, रुक d8 एंड क्वीन c2, e5। सो अब जो है मैग्नस के पोन जो है आगे पुश होना शुरू हो गए, बिशप e3, नाउ d5, नाइट c6। और दोस्तों, प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो आगे चल के ये पोन सेक्रीफाइस है, क्योंकि नाइट c6 आप अपना रुक सेव करोगे एंड बिशप जब भी d2 पे आता है सिंपली यहाँ पे पोन जो है फॉल हो जाएगा। रुक e8 एंड नाउ बिशप d2 एंड नाउ नाइट e4। और दोस्तों, ये काफ़ी जो है वो बढ़िया पोन सेक्रीफाइस है, क्योंकि यहाँ पे पोन जब आपका जाता है a5 पे, तब आप सोचो अगर ये गेम एंड गेम तक जाती है तो क्या होगा। सिंपली दो कनेक्टेड पास पोन है, उसकी वजह से यहाँ पे वाइट जो है विन हो जाएगा अगर ये गेम जो है एंड गेम तक जाती है। बट दूसरी ओर सेंटर में मेजोरिटी होने की वजह से यहाँ पे मैग्नस कार्लसन को जो है काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। रुक c8, क्वीन a2 और अब नाइट d2 f6 खेला गया। इन केस यहाँ पे क्वीन a2 के बाद अगर आप नाइट कैप्चर्स ऑन d2 खेलते हो, बट देन क्वीन कैप्चर्स ऑन d2 एंड नाइट टू जैसे f6 के बाद पहले f3, ताकि नाइट e4 जो है उसको स्टॉप किया जाए। और यहाँ पे मैग्नस ने कहा था कि उनको लगता है कि वाइट की पोजीशन जो है वो यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, ये अगली मूव है, बट उनको उसमें इस पोजीशन का बेनिफिट कैसे ले वो जानते नहीं थे। बट एनीवेज, क्वीन टू a2 के बाद इसलिए उन्होंने जस्ट नाइट टू f6 खेला, एंड नाउ बिशप e1 खेला गया। इन केस यहाँ पे नाइट d2 f6 के बाद अगर आप b4 के लिए जाते हो, देन सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन d2, क्वीन कैप्चर्स ऑन d2 एंड नाइट e4 बैक,
और जिस केस में दोस्तों नाइट जो है आगे चल के सिंपली c3 पे जाएगी और वहां से जो है e2 एंड a4 दोनों पे अटैक करेगी और नाइट वहां पे काफ़ी स्ट्रांग होगी। सो ये पोजीशन जो है वो यहां पे ब्लैक के लिए बेटर हो जाती, इसीलिए नाइट d2 f6 के बाद एक्चुअली बिशप e1 खेला गया। एंड नाउ नाइट c3 एनीवेज बिशप कैप्चर्स ऑन c3, रूक कैप्चर्स ऑन c3 एंड नाउ b4, बिशप f8 पोन पे अटैक है, क्वीन b2 एंड नाउ d4। यहाँ पे वाइट ने e3 खेला और मैग्नस कार्लसन के मुताबिक ये जो है ये सुसाइडल मूव है। इससे बेटर ये था कि वाइट यहाँ पे नाइट e3 खेलता एंड देन से क्वीन c8 एंड देन नाइट e2 c4, जहाँ पे ऐसे रुक कैप्चर्स ऑन c4, नाइट कैप्चर्स ऑन c4 एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन c4। ऑफकोर्स ब्लैक के पास दोस्तों रुक के बदले में जो है नाइट एंड बिशप है, बट यहाँ पे ये दोनों पोन जो है वो इस चीज़ को कंपनसेट करते हैं। यहाँ पे गेम को जिस तरह से कंटिन्यू हो सकती है रुक c1 एंड देन क्वीन कैप्चर्स b4, क्वीन कैप्चर्स b4 एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन b4 के बाद कार्लसन को ये पोजीशन जो है वो ड्रॉ से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रही थी, क्योंकि वाइट का ये पास पोन जो है वो उसको काफ़ी बड़ा काउंटर प्ले दे सकता है। और एंड गेम में दोस्तों ऐसा होता है, मिडल गेम में क्या होता है कि आपके पास दो पीस है देन जनरली आप बेटर हो, बट एंड गेम में रुक एंड पोन अगेंस्ट नाइट एंड बिशप और इवन कई बार अलोन रुक नाइट एंड बिशप के सामने जो है काफ़ी अच्छा प्रूव होता है। बट एनीवेज गेम में चलता है जहाँ पे d4 के बाद एक्चुअली e3 खेला वाइट ने एंड नाउ नाइट e4, पोन कैप्चर्स ऑन d4, ई कैप्चर्स ऑन d4, नाइट b3। और दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजिशन में मैग्नस ने d3 खेला एंड नाउ रुक c1 और यहाँ पे उन्होंने जो है बिशप g7 कंसिडर किया था एक मूव, और गेम में एक्चुअली उन्होंने रुक कैप्चर c1 खेला। बट शॉकिंग यह था कि जब उनको पोस्ट गेम एनालिसिस में पूछा गया कि क्या उन्होंने बिशप कैप्चर्स ऑन b4 देखा था, तो दोस्तों खुद जो है थोड़ी देर के लिए कुछ बोले ही नहीं, मतलब वो शॉक हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो है ये सिंपल मूव नहीं देखी बोर्ड पर। बट ऐसा होता है दोस्तों, सारे प्लेयर के साथ होता है, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हो या फिर कितने भी छोटे, राइट। रुक c1 एंड नाउ रुक कैप्चर्स ऑन c1 एक्चुअली मैग्नस ने खेला, क्वीन कैप्चर्स ऑन c1 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन a4, क्वीन c4, नाइट c5। और ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया ट्रिक है आपको जो है अगर अपना पोन d3 पे रखने के लिए। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप नाइट कैप्चर्स ऑन c5 खेलते हो बट देन क्वीन टू d1 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नाइट e1 4 से, और अभी क्वीन कैप्चर्स ऑन e1, किंग g2 एंड d2 है वो जस्ट विनिंग है। बट चलते गेम में जहाँ पे नाइट c5 के बाद एक्चुअली वाइट ने नाइट d2 खेला एंड नाउ जस्ट क्वीन a1 चेक, नाइट f1, d2, सो यहाँ पे थ्रेट है पोन प्रमोशन क्वीन की, एंड नाउ नाइट e3, नाइट e6, क्वीन b3 एंड नाउ क्वीन e1। इन केस आप इसी पोजीशन में नाइट d4 खेलते हो बट देन क्वीन d1 जो है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे से आप क्वीन कैप्चर्स d1 खेलते हो देन नाइट कैप्चर्स ऑन d1 और आप अपना b4 पोन लूज भी करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आगे चल के क्या होगा, वाइट जो है सिंपली f4 खेलेगा एंड देन अपना किंग नज़दीक लेगा और वाइट के तीनों पीस मिलके जो है ब्लैक के इस पोन पे अटैक कर सकते हैं, और दूसरी ओर ये पोन जो है फर्मली ब्लॉकेडेड है वाइट की नाइट से। सो यहाँ पे जो है वो गेम इक्वल हो जाती, बट एनीवेज क्वीन b3 के बाद मैग्नस ने जो है वो क्वीन e1 खेला एंड नाउ किंग g2, बिशप कैप्चर्स ऑन b4, और दोस्तों यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स b4 जो है वो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज d1 इज इक्वल टू क्वीन और यहाँ पे ब्लैक जो है वो विन हो जाएगा। सो गेम में बिशप कैप्चर्स ऑन b4 के बाद क्वीन b2 खेला वाइट ने एंड नाउ h5, और h5 का आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे क्वीन जो है वो a1 h8 डायगोनल पे, दैट मींस अगर नाइट h6 या तो f6 पे अपीयर होती है देन यहाँ पे ब्लैक को जो है दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैग्नस ने जो है वो नाइट g4 एंड स्पेशली नाइट h6 जो है उसको स्टॉप कर दिया विथ h5 h4। एंड अगेन दोस्तों यहाँ पे भी बिशप को कैप्चर नहीं किया जा सकता विथ द सेम थ्रेट, सो h4 एंड बिशप टू a5, क्वीन b8 चेक, नाइट f8, क्वीन a8, बिशप c3, क्वीन c6, क्वीन c1 एंड नाउ क्वीन d5, नाइट e6, क्वीन c4 एंड नाउ बिशप f5। और इस पोजीशन में दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग मूव थी बिशप f5 की जगह पे, और वो थी नाइट d4, जिस केस में से आप क्वीन d3 खेलते हो बट देन ब्लैक जो है अपना इस पावरफुल पोन को सेक्रीफाइस कर सकता है, वो यहाँ पे क्वीन a1 खेल सकता है। पॉइंट ये है कि नाइट कैप्चर्स
ऑन d2 के बाद सिंपली बिशप कैप्चर्स d2 और अभी क्वीन कैप्चर्स d2 के बाद ये देखिए जो डायगोनल वीक है उसमें ये क्वीन जबरदस्त डेंजर हो जाएगी. पॉइंट बीइंग अगर आप किंग जो है उसको h3 या तो किंग जो है उसको f1 पे ले जाते हो, दोनों ही केस में क्वीन जो है h1 चेकमेट है. और इन केस अगर आप किंग जो है g1 पे जाते हो बट देन नाइट f3 और एक क्वीन चली जाएगी. और लास्ट अगर आप इसी पोजीशन में f3 खेलते हो देन क्वीन कैप्चर्स ऑन f3 और उसके बाद किंग h2 एंड नाइट e2 जो है वो यहाँ पे सिंपली विनिंग है. सो क्वीन c4 के बाद नाइट d4 मैग्नस के लिए काफ़ी अच्छा था बट उन्होंने बिशप टू f5 खेला एंड नाउ क्वीन d5, बिशप b4, क्वीन b5, क्वीन c3, क्वीन d5, क्वीन c1, क्वीन b5, बिशप c3, क्वीन f4, बिशप d4 एंड नाउ नाइट d1. सो पोन को जो है फॉर्मली यहाँ पे ब्लॉक किया, किंग g7, किंग f3 एंड नाउ बिशप f6 जो है वो खेला गया. यहाँ पे किंग e2, सो वाइट जो है इस पोन को विन करना चाहता है. और शायद मैग्नस ने बोला कि यही वाइट की गलती है क्योंकि उसको शायद वहाँ पे पैसिव डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी था बट जैसे ही किंग बाहर निकला यहाँ पे वो सब्जेक्ट टू अटैक बना और ऐसा ही कुछ हुआ. नाइट d4 चेक, किंग d3 एंड नाउ क्वीन b1 चेक. काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है और मैग्नस ने अपना पावरफुल पोन जो है उसको सेक्रीफाइस कर दिया. बट दोस्तों यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचिए क्या वाइट को ये पोन कैप्चर करना चाहिए या कुछ और खेलना चाहिए. दोस्तों यहाँ पे वाइट के लिए काफ़ी ज़रूरी था कि वाइट किंग e3 खेले और उसके बाद मैग्नस ने खुद बोला है कि उनको पता नहीं कि यहाँ पे ब्लैक कैसे विन होगा. बट एक्चुअली गेम में क्या हुआ, क्वीन b1 चेक के बाद वाइट ने एक्चुअली किंग कैप्चर ऑन d2 खेला एंड नाउ मैग्नस की नेक्स्ट मूव आई क्वीन e4 एंड वाइट ने रेजिग्नेशन दे दिया. क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ढेर सारी थ्रेट है. पहले तो आप देखिए तो डिस्कवर चेक में जो है क्वीन जा रही है और क्वीन सेव करते हो देन कई केस में दोस्तों जो है क्वीन c2 या फिर पहले जो है क्वीन e2 चेक जो है वो चेकमेट की ओर जाता है. सो इसी पोजीशन में इसीलिए वाइट ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया. सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम और आज का ये वीडियो, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले. धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय.